हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विस्डम ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट पर, जहां पर एक व्यक्ति के खिलाफ रेप का आरोप लगता है और रेप का आरोपी को कर्नाटका हाई कोर्ट जो है उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं। रेप के जो आरोप में लगा हुआ जो व्यक्ति होते हैं उसको बरी कर देते हैं। मतलब रेप, सोचिए कि रेप का केस आप पर बना है, उसको छोड़ दिया गया। कारण क्या है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे आज ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट कौन सा ऐसा मामला है जहां पर रेप के जो आरोप लगाया गया था उस व्यक्ति को उसको छोड़ दिया गया। साथ में अगर रेप का डिफिनेशन क्या है, उसका पनिशमेंट क्या है, वो आपको भी बताएंगे। और ये करेंट मुद्दा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके डेली लाइफ में हमेशा इन सारी चीजों को आपको देखने सुनने को मौका मिलते रहता है। ओके, तो ये देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट का, इस तरह का हाई कोर्ट है। मैं यहाँ पर पिक्चर मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, ये जो मैं आपको न्यूज जो अपडेट दे रहा हूँ लाइव लो के वेबसाइट से ऐसा। ओके, जो कि बहुत ये ऑथेंटिक होता है, ऐसा यहाँ पे कोई भी चाहता है यहाँ पे ऑथेंटिक होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर सबसे मेन हेडिंग हमारा जो है कि पांच साल तक सम्मति से सेक्स रेप नहीं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक युवा को रेप केस से बरी किया। तो देखिए 5 साल तक किसी भी महिला के साथ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल के साथ, अगर आप सेक्स कर रहे हो उसके साथ, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक मामले में जो रेप में जो युवा होता है उसको बाइज्जत बरी कर देता है। कारण क्या है, आइए अभी हम जानते हैं। सबसे पहले ऐसा, तो आप लोग वीडियो को अंत जरूर देखो। अभी मैं कह रहा हूँ ऐसा कि आपको पूरा अच्छे से डिटेल बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक तुरंत करो, चैनल सब्सक्राइब करना ऐसा। ओके, तो मजा आएगा। देखिए मामला जो है, मामला कर्नाटका हाई कोर्ट कर्नाटका का है। मामला कर्नाटका का है, एक शख्स पर उसकी प्रेमिका ने रेप और विश्वासघात करने का आरोप लगाया, विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है, इसके सुनवाई कर्नाटका हाई कोर्ट में हुई। कोर्ट ने लड़की की याचिका को खारिज कर दिया और शख्स को रेप के और देखिए यहाँ पे छुप गया था ओके ना और से और शख्स को रेप के आरोप से बरी कर दिया। देखिए क्यों बरी कर दिया, पूरा छोड़ दिया गया ऐसे ही नहीं। तो देखिए, रेप कोई करता है तो उसको सजा होगा ही होगा, एकदम होगा। लेकिन कुछ ऐसा स्थिति है जहां पर महिला जो होती है, जो लड़के होते हैं उनके साथ कभी कभी क्या करता है, गलत केस कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आप बचोगे कैसा यार, कि कोई भी लड़की अगर आपको, मतलब जिसके साथ आप संबंध बना लेते हो, ऐसा भले उसका सहमति है तब भी, मतलब कि वैसे स्थिति में आपको छोड़ा नहीं जाता है। लड़की गलत केस कर देती, थाने में आपको आरोप, आपको बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेप का केस में लगाया गया था उससे नामुमकिन सा हो जाता है कि आप जो है, मतलब कि आप बरी हो सकते हो। लेकिन एक ऐसा स्थिति यहाँ पर आया जहां पर आप रेप का जो है केस से आप बरी हो सकते हो। मामला अभी अंदर जानी है क्या ऐसा। अदालत ने कहा कि 5 साल तक शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था कि हम शादी का झांसा दे करके किसी भी महिला के साथ संबंध बनाते थे तो वह बलात्कार के अंदर आता था, ऐसा कहना था। लेकिन अदालत ने साफ कह दिया, क्या कहा, कि 5 साल तक शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को बलात्कार नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा भाई, आप जानो, ऐसी में तो मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं। देखिए क्या हुआ, लड़की ने अपने प्रेमिका पर आरोप लगाया, जो लड़का था उस पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बाद में उसने यह रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे समाज में अभी तो हो रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ संबंध बना रहा है और उसको छोड़ दे रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए जस्टिस जो है इस केस की मामला सुनवाई करे, जस्टिस एम्स नागा कृष्णन, ठीक है, ने अपने फैसले में कहा कि जजमेंट में अपने कहा कि मामले में यौन संबंध की सहमति एक बार, दो बार, तीन बार या फिर कुछ दिनों और कुछ महीना के लिए नहीं, बल्कि 5 सालों के लिए ली गई थी। तो सोचिए 5 सालों तक किसी के साथ आप संबंध बना रहे थे। ओके, उसके बाद ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 5 साल तक युवक ने बगैर मर्जी के लड़की से संबंध नहीं बनाया। तो 5 साल के साथ किसी भी लड़की से संबंध बना रहे हो, अब मान लीजिए कारण होता है कि जब शादी नहीं करना चाहते, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो भाई आप उसको रेप केस में उसको फंसाने की कोशिश करोगे, कंपेयर करोगे, तो ये गलत चीज है ना। आप देखिए मामला क्या है, अभी जानिएगा,
पूरा अंत देखेंगे वीडियो तब। देखिए आईपीसी की जो है धारा सेक्शन जो है 375 के तहत महिला की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाता है, ठीक है। मतलब 75 आईपीसी का सेक्शन है वो, अगर महिला के मर्जी के बिना आप संबंध बनाते हो तो वो रेप में आता है। उसके लिए और रेप कब कहेंगे, रेप का पनिशमेंट क्या है, उसका उसका मतलब रेप कब कहेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए धारा और पनिशमेंट जो है 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। कितनी साल की सजा होती है वो भी बताऊंगा ऐसा, ठीक है। साथ में समझिए बताते हैं, चलिए सबसे पहले तो मैं ही बता लेता हूं आप लोगों को, ओके, कि क्या, क्योंकि आपको कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहे। तो यहां पर देखो भाई कि यहां पर देखिए इंडियन पिनल कोड आईपीसी का जो सेक्शन है 375 में ऐसा इसका डिफिनेशन दिया गया है साहब। तो यहां पे देखिए कि यहां पर रेप 75 में का अ पर्सन इज साइड टू कमिट रेप हु एक्सेप्ट इन द केस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर सर्कमस्टेंसेस फेलिंग अंडर एनी ऑफ सिक्स फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो छह यहां पर पॉइंट दिया गया है। अगर आप इस छह पॉइंट में अगर महिला का कंसेंट नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो रेप डिफिनेशन कहलाता है। पहला बात होता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगेंस्ट हर विल, मतलब उसके मर्जी के बिना, हर विल कहने का मतलब उसके मर्जी के बिना आप उसके साथ सेक्स संबंध बनाते हो तो वो रेप के डिफिनेशन में आएगा, विदाउट हर कंसेंट, बिना उसके कंसेंट के, ओके ना। पहला कि उसका उसका खुद का इच्छा नहीं है, और दूसरा कि खुद का इच्छा नहीं है, ओके, खुद का इच्छा नहीं है तभी आप कर रहे हो। दूसरा कि उसका कंसेंट नहीं है। तीसरा यहां बोल के विथ हर कंसेंट, व्हेन विथ हर कंसेंट, अब यहां पे कंसेंट दे रही है, ठीक है ना, विथ हर कंसेंट, लेकिन क्या है, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेंड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इज हु इज इंटरेस्टेड टू फेथ फियर ऑफ डेथ एंड हर्ट। मतलब वो कंसेंट दे रही है, यहां पर थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि आप कंसेंट दे रहे हो लेकिन आपको उस तरह का कंसेंट दे रही है कि आप उसको मतलब फियर ऑफ डेट, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो। तो भाई साहब कह रहे अपने जान बचाने के लिए क्या बोलेगी, हाँ मेरे साथ सेक्स कर लो ऐसा बोलेगी, ऐसा हमसे संबंध बना लो, उसको मारने की कोशिश करोगे ऐसा, हर्ट करोगे उसके साथ ऐसा, ये पुटिंग कर रहे हैं आप, जो उसके साथ इस तरह का जो अप्रीहेंशन पैदा कर रहे हो इंटरेस्ट, वो आपको कंसेंट इस ग्राउंड पर दे रही है कि डेट और हर्ट के लिए, तो आप रेप के लिए पनिशेबल हो गए ऐसा। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि हर कंसेंट आप इसमें भी कंसेंट दे रही है, ओके ना, लेकिन व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, ओके ना, उसका हस्बैंड नहीं है ऐसा, आप सुन लो पूरा ऐसा, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू हुम शी इज अ बिलीव हर सेल्फ टू बी अ लो फुल मेरिट। तो यहां पर एक ऐसा कंसेंट दे रही है कि जिसका वो अपना उसका अपना हस्बैंड होने वाला ऐसा, ठीक है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है लेकिन उसके साथ कोई ऐसा अपना उसको ऐसा लगता है, उसको बिलीव ऐसा से बिलीव उसको ऐसा लगता है कि जिस इंसान के साथ वो अपना संबंध बना रही है वो उसका हस्बैंड होने वाला है, शादी होने वाला, लोफिल मैरिज उसके साथ होने वाला है ऐसा। तो उसके साथ आप गलत, उसको लग रहा है वो जानबूझ के वो इसके साथ संबंध बना रही है ना, कि उसको लग रहा है कि शादी उसके साथ होने वाला है, लेकिन वो आदमी नहीं है जिसके साथ शादी हो रहा है, दूसरा आदमी है, ठीक ना, वो आदमी दूसरा है, तो ऐसे में वो रेप कमिट करता है। पांचवा पॉइंट है बोलता है, ठीक है, पांचवा कि विद हर कंसेंट व्हेन एट अ टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट जो सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए वो कंसेंट दे रही है लेकिन आप मान लीजिए उसको एक ऐसा स्थिति पैदा करते हैं, टाइम ऑफ गिविंग ऐसा कंडीशन पैदा कर सकते हो जाता है जहां पर महिला जो है रीजन ऑफ अनसाउंडनेस मतलब उसका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन वो नशे में है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द पर्सन एंड थ्रू अनदर स्टेपनिंग समटाइम्स अनेबल टू अंडरस्टैंड रीजन ऑफ द कंसिक्वेंस। तो देखिए अब उस समय जो है सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑफ द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ दैट सच इज गिवन कंसेंट। तो यहाँ पर जो है जो कंसेंट दे रही है भाई, ठीक है, वहां पर उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता रहा, और सामने वाला व्यक्ति जो उसके साथ उसके अगेंस्ट, ठीक, वो उसका इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है कि नशे में है, वो पागल है, उसके साथ संबंध बना रहा है और उसका कंसेंट दे भी रही है, तो क्या होगा, उसके रेप के लिए पनिश किया जाएगा। और बात करते हैं कि सिक्स नंबर पॉइंट इसमें ये बोलता है कि विथ और विदाउट हर कंसेंट, और कंसेंट देता है या नहीं भी देता है, सी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 16
उसका जो एज है 16 ईयर एज है, ठीक ना, तो अगर उसका एज 16 ईयर से कम है तो वो जो है रेप पनिशमेंट में आएगा ऐसा, ओके, अंडर 16 ईयर ऑफ एज। तो इस तरह का होता है, अगर इसका एक्सेप्शन भी है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं देखेंगे इसका, ओके ना। तो यहाँ पर जो है देख लेते, एक एक्सेप्शन है, जान लो ऐसा, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद ऑफ हिज ओन ओन वाइफ विदाउट सॉरी ओन वाइफ वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज, ओके ना, तो 15 ईयर एज से कम है तो भी रेप का पनिशमेंट में आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि रेप का मतलब क्या होता है, ओके, पनिशमेंट इसका क्या है, रेप कब कहलाएगा, पनिशमेंट जो इसका है आपको दिया जाएगा इसका रिग्रेस पनिशमेंट, देख लीजिए ऐसा, जो सेक्स रेप का जो है पनिशमेंट जो है आप देख लो ऐसा, वो एक सेकेंड, पनिशमेंट इसका जो होगा आपको मैं दिखाता, पनिशमेंट जो इसका होगा रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन और टर्म्स, इट शैल बी देन लेस देन 10 ईयर्स, इसके लिए आपको 10 साल का सजा हो सकता है, और ये जो होगा आपको बढ़ाया जा सकता है, आपको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट भी आपको हो सकता है, और आपको फाइन भी दिया जा सकता है, ये आप आईपीसी सेक्शन 376 में आपको इसका पनिशमेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग आते हैं अपने मामले में, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई साहब आईपीसी के सेक्शन जो है 75 और 76 में, 75 में उसका डिफिनेशन बताया कि मतलब कि रेप किसे कहते हैं, और 375 में जो मैंने आपको बताया कि उसका प्रावधान क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि यह हो गया पीड़िता का आरोप है, यहाँ पे जो है पीड़िता का क्या आरोप है इस मामले में समझिए कि शादी के बहाने याचिकाकर्ता ने उसके साथ यौन संबंध बनाया और बाद में शादी के वादे से मुकर गया। तो यहाँ पे शादी के उससे सामने शादी करेंगे बोल के उसके साथ संबंध बनाता है 5 साल तक कि भाई आप तो शादी करेंगे, और अपने वादे से मुकर जाता है, ओके। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है, इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इस शख्स ने सिविल कोर्ट में अपने खिलाफ कार्यवाही को हाई कोर्ट में चुनौती दी। तो आप सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट का जो भी जजमेंट था उसके खिलाफ जो किया वो हाई कोर्ट में अपना कार्यवाही के लिए वो अपना अपील किया, ओके ना। इसके मुताबिक शिकायतकर्ता और वे 5 साल तक रिलेशनशिप में थे। तो इसके मुताबिक जो है जो लड़का का कहना था कि 5 साल तक हम रिलेशनशिप में थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग अलग होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। तो यहाँ पे एक ग्राउंड देता है कि जाति अलग था जिसके कारण वो शादी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है क्या कर दिया गया, उस व्यक्ति को छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया, आपके कारण देखो कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जब न्याय होता है तो दो एक पक्ष का सुनाई सुन करके कभी भी पक्ष नहीं आता है, वो सिविल केस में होता है, वो एक्स पार्टी होता है, डिग्री होता है, ओके ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों पार्टी के इतने लंबे समय तक किसी, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा ये बात आप समझिए कि कोर्ट ने ये कहा कि इतने लंबे समय तक किसी रिलेशन का रहना और इस दौरान दोनों के बीच में संबंध के चलते इसे 375 और 376 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर उस लड़का को इसलिए छोड़ा गया कि भाई 5 साल से आप उसके साथ संबंध बना रहे हो तो वो आप गलत क्या कर रहा है आपके साथ, आप भी तो कंसेंट दे रहे थे ऐसा। तो 5 साल का इतना लंबे समय तक आपको रिलेशन बना रहा है, वो एक बार दो बार तीन बार चार बार या एक महीना के लिए आपके साथ महीना के लिए आपको क्या कर रहा है और संबंध ही बना रहा है, 5 साल से बना रहा है, तो इसीलिए उसको छोड़ दिया गया, ओके ना, क्योंकि उसका संबंध उसका खुद ही संबंध बनाया था ऐसा, ओके। तो यहाँ देखिए लास्ट यहाँ पे एक चीज है कि हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा बात कहा इसमें, लेकिन ये कभी भी कोर्ट में कोई व्यक्ति जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, मार पीट लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होता है तभी जाता है। तो कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बात कहा कि हाई कोर्ट ने शख्स को रेप के आरोप से तो बरी कर दिया, तो उसने जो है रेप के आरोप से उसको बरी कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि उस शख्स को धारा 223 ठीक ना और धारा 506 के तहत अपराधी के लिए केस का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए उस व्यक्ति को रेप के सजा से उसको मुक्त कर दिया, लेकिन मारपीट जिसे होता है मारपीट के लिए जो होता है इंजुरी के लिए आता है वो 223 में ऐसा पनिशमेंट दिया गया ऐसा, ओके ना, और गाली ग्रोज के लिए जो सेक्शन है वो 506, तो उसके तहत जो है उसको अपराधी माना, उसको अपराध उसको अपराधी के लिए केस का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें अगर वो पाया जाता है कि वो मारपीट किया है गाली ग्रोज किया है तो उसकी सजा होगा ऐसा। तो आई गाइस इस वीडियो के माध्यम से, इस हमारे सेशन के माध्यम से आपको बताना था कि आप आज की बात समझ लीजिए कि 5 साल के लिए नया लीगल डेवलपमेंट है कि 5 साल तक किसी महिला के साथ अगर संबंध बनाते हैं और 5 साल के बाद वो आप पर झूठा केस लगाती है कि आप उसके साथ रेप किए हो, तो भाई साहब
इस जजमेंट का माध्यम से, कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका अगर आप यूज करते हो तो आप हमेशा बच जाओगे ऐसा, ओके ना। ये आप इसके लिए आपको सजा नहीं होगा, ओके ना। तो बेफिक्र रहो, एक नया लीगल डेवलपमेंट मैं आप लोगों को बताया। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं ऐसा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा। और ये जो मामला है ये पब्लिश कब हुआ, 14 मार्च का ही है, 14 मार्च 2023 का ही ये मामला है। तो आज मेरे पास 15 मार्च है, तो पब्लिश हम कभी कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लोगों के साथ। बाय 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 बाय, ठीक है।